हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी हम लोग अपने बगीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा बगीचा शहर के आउटकट्स में है। हमारे एरिया में तो काफ़ी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं रोड पूरा गीला है, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ क्या कंडीशन है। मौसम काफ़ी मतलब क्या कहें, कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और आकाश बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काले हुए हुए हैं। किसी भी क्षण काफ़ी घनघोर बारिश हो सकती है, तो फिर भी अभी तो बारिश हो नहीं रही है और मौसम बिल्कुल कूल है बहुत। तो आइए फिर चलते हैं उस साइड, वहाँ आम टूट रहे हैं और लोग लगे हुए हैं आम तोड़ने में। तो चलिए फिर देखते हैं ये लोग कैसे आम तोड़ रहे हैं। अरे एक डंडा दे रहे हैं। जे आम तो लेना है तो ले लियो। कौन नौरस थी? हाँ लेना अखरोस ले लियो, अखरोस ले लियो। और अब सामने वो जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ काफ़ी छोटा सा है लेकिन इसमें काफ़ी सारा आम है। और ये आम के साइज़ को देखिए, कितना बड़ा बड़ा आम है। तो इसे भी तोड़ते हैं। इसे मैं खुद से तोड़ रही हूँ और मुझे आम तोड़ना बहुत पसंद है, अपना बचपन याद आ जा रहा है। देखिए मैं आम को तोड़ रही हूँ। ये काफ़ी, ये आम जो है साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये आम शायद चौसा है। और अब चलिए उस पेड़ की तरफ। ये जो आम है, ये इस आम को ये लोग नवरस बोल रहे हैं, क्या होता है। तो ये आम भी मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि ये पेड़ जो है काफ़ी नया लगा हुआ था। करीब 3 साल पहले ये पेड़ को लगाया गया था और इसमें अब आम फल रहा है। और अब सामने देख रहे हैं जो ये पेड़ है, ये भी नवरस का ही पेड़ है। तो ये भी छोटा पेड़ है क्योंकि एक साथ ही लगाया गया था ये सारे नवरस के पेड़ को। तो इसमें भी कुछ आम आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये साइज़ में तो छोटा है लेकिन मीठा काफ़ी होता है। तो ये भी देखिए, ये आम है एक, इसे भी मैं तोड़ रही हूँ। और ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है आम तोड़ने में। तो चलिए फिर देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम लग रहा है यहाँ, लेकिन बारिश किसी भी क्षण बहुत तेज़ी से हो सकती है। आप ये देखिए, काले घने बादल छाए हुए हैं बिल्कुल चारों तरफ से और हमारा आम टूट रहा है। और ये कुछ सागवान के भी पेड़ लगाए हुए हैं हमने खेत में, तो साइड में ये सारे लगे हुए हैं। अभी पेड़ उतना काफ़ी मोटा नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे पेड़ हमने लगाए हुए हैं सागवान के भी। तो आप देख सकते हैं, आप चलिए हमारे गार्डन में थोड़ा घूम लीजिए। ये आम का बगीचा है
ये भी देखिए सागवान है, ये हमने लाइन से ये सारे सागवान बाउंड्री से ही सारे सागवान लगा रखे हैं। और इस बार तो ज़्यादा आम आया नहीं है सारे पेड़ में, कुछ आम आए हैं, कुछ पेड़ में आम हुआ है तो वो फिर हम लोग लेकर जा रहे हैं। करीब करीब 30 से 35 किलो आम यहाँ से तोड़कर इस बार हम लेकर जा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जो बचे कुचे आम है वो फिर मैं लेकर जाऊंगी। तो ये रहा आम तोड़ने का ये व्यवस्था। और इसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे बैठे जो बहुत पुराने हो गए थे, उसे हमने कटवा दिए हैं, तो इसमें अब फिर से नए प्लांटेशन शुरू होंगे। देखती हूँ, इसमें फ्रूट ऑर्चर्ड बनाना है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के पेड़ इसमें लगवाने हैं। ये वाले प्लॉट जो आप देख रहे हैं सामने, तो और ये एक बहुत अच्छा सा एक आम मेरे लिए लेकर आ रहा है, ये प्रभास है। ये सारा आम तोड़ा है हम लोगों के ये का, और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आम है। ये शायद इसे चौसा बोलते हैं, ये चौसा है, ये काफ़ी मीठा होता है। तो ये भी वैरायटी हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं। एक बम्बई छे एक हिंसा बारिश में, तो बारिश में मिट्टी काफ़ी गीला हो चुका है और चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर भी और अभी काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं तो किसी भी क्षण जो है बारिश बहुत तेज़ी से हो सकती है। तो ये लोग लगे हुए हैं आम तोड़ने में, और यहाँ भी आम टूट रहा है तो आप देख सकते हैं ये लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं आम तोड़ रहे हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you. Thanks for watching.